सेवा का अपराध करते हैं। बहुत सारे 32 अपराध रूप गोस्वामी ने बताए, नाम अपराध जीव गोस्वामी ने बताए और सेवा अपराध रूप गोस्वामी ने बताया। रूप गोस्वामी कहते हैं दर्शन करके आए भगवान का और भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किया, तो ये क्या है? भगवान का सेवा अपराध, ये सेवा अपराध। दर्शन करने आए, जितनी बार मंदिर में आए, मान लो आपने सुबह एक बार मंगल आरती में प्रणाम कर लिया, अब दूसरी बार आए हारमोनियम उठाने के लिए, कीर्तन में जाना था, आप हारमोनियम या मृदंगा उठाने आए और मंदिर से उठा के ले गए, अब भगवान के देखा भगवान को ले गए ऐसे करके, तो क्या होगा? अपराध है कि नहीं है? सेवा अपराध है। जितनी बार आएंगे भले पंचांग ही करो लेकिन एक बार तो प्रणाम कर लो, तीन बार नहीं कर रहे कम से कम एक बार तो करो, मंदिर में प्रवेश करते ही प्रणाम करना चाहिए। जैसे कहते हैं शिव श्री विग्रह के जो रखा हुआ है लेकिन उनको भगवान के पर्दे के बिना लगाए भोजन करने बैठ जाना, घरों में होते हैं ना अल्टर, अल्टर खुला हुआ है और भगवान के सामने ही प्रसाद खा रहे हैं, भगवान के सामने प्रसाद नहीं खाया जाता, ये सेवा अपराध है। भगवान के दर्शन करते वक्त भगवान के सामने प्रजल्पा करना, जैसे क्लास खत्म होगी तो एक दूसरे से मिलेंगे भक्त लोग, मिलेंगे और पूछेंगे और कैसा चल रहा है ना, और दोस्त पता कैसा चल रहा है, आजकल कहाँ जा रहा है, तेरी भक्ति कैसी चल रही है, उसके बाद तुम क्या जॉब कर रहे हो, कितना पैकेज है, बच्चे कौन से स्कूल में आ गए, टेंशन बहुत है, प्रजल भगवान के अल्टर के सामने कोई प्रजल्पा, बाहर जाके करो मंदिर से, प्रसाद नहीं खाना, प्रजल्पा नहीं करना, किसी और का गुणगान भी नहीं करना, केवल कृष्ण का गुणगान किया जाएगा। इसीलिए जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं हम तो जोर जोर से लेक्चर देते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रचार किया जा सकता है, भगवान के अलावा अपना प्रचार या अपनी कोई भी एडवर्टाइजमेंट मंदिर के कक्ष में नहीं करनी चाहिए। भगवान के भक्तों को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों को देखते कोई सीनियर डिवोटी वरिष्ठ वैष्णव को हम देखते हैं तुरंत भक्त प्रणाम करते हैं, ऑल्टर के आगे सिर्फ केवल कृष्ण को ही प्रणाम किया जाएगा और किसी को नहीं, या फिर गुरु को प्रणाम कर सकते हैं क्योंकि गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र हरि के समान है, है ना। तो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे आचार्य हैं वर्तमान, उनको हम प्रणाम कर सकते हैं। तो एक बार एक सुंदर एक भक्त बता रहे थे, हिजोलियंस राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि मैं अल्टर में था, पूजा कर रहा था और एक महाराज क्लास दे रहे थे और दोनों लोग ही महाराज हैं यानी सन्यासी हैं जो लेक्चर दे रहे हैं, जो अल्टर में सेवा कर रहे हैं, और ये वाली आरती चल रही थी जो 8:30 बजे होती है भगवान की भोग लगने के बाद, दर्शन आरती के बाद। तो इस समय एक व्यक्ति प्रवेश किया अल्टर अंदर, प्रवेश किया। अब प्रवेश करने के बाद में उसने क्या किया, अल्टर के सामने महाराज जी को प्रणाम कर दिया। अब जब प्रणाम कर दिया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यू आर रास्कल नंबर वन, तुमने सारे नियमों को बिना पढ़े भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश किया है, तुम पापी हो, तुम अपराधी हो, डांट दिया उसको। वो बेचारा सुनो लो सॉरी महाराज जी क्षमा कर दीजिए। सो महाराज बता रहे थे हिजोलियंस राधानाथ स्वामी महाराज कि अब इन दोनों में देखा जाए, उन्होंने उस भक्त को डांट लगाई और उन्होंने भगवान के मंदिर के सामने किसी आचार्य को प्रणाम किया, अभी दोनों में से कौन सा वाला बड़ा अपराध है? डांटने वाला, भगवान के अल्टर के सामने डांटना भी तो नहीं चाहिए। अब एक अपराध को सिखाने के लिए वो दूसरा अपराध कर लेता है व्यक्ति, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना स्ट्रीम लाइन है, नैरो लाइन है, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कब अपराध कर बैठते हैं। हम तो सोचते हैं हम चैंटिंग कर रहे हैं, मंगला आरती भागवतम और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपराधी होंगे तो अपराध देखा ही आपने, वैकुंठ से भी वापिस आना पड़ रहा है। तो भक्ति में से तो राधा रानी अपराध में राधा रानी अपनी सेवा से बाहर निकाल देती है। ये सारा क्या है, इस्कॉन क्या है, गौड़ीय वैष्णविज्म क्या है, राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है, और सोचो राधा रानी नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा, आदमी चला जाएगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। जब विग्रहों की घर में पोशाक पहनाते हैं, सुई चुभ गई विग्रह को, तो ये अपराध है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप इधर उधर देख रहे थे, आपने अटेंशन पे नहीं किया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अपराध लग जाएगा। भगवान कहेंगे अब सेवा में लगाया था इसके लिए। जैसे एक बार एक भक्त थे वृंदावन में, वो भगवान को चवर कर रहे थे और चवर करते करते उधर देख रहे थे कितने लोग आए, और चवर जो था भगवान के मुंह पे बार बार टच हो रहा था इसी करके, तो वो बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगा किसी ने चांटा मारा खींच करके मुझे, तो मैंने कहा अल्टर में कौन आया मुझे चांटा मारने, तो फिर वो बताते मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो इसका मतलब उंगलियों के निशान भी थे, ठाकुर जी ने मारा है, कह रहे तू सेवा अपराध कर रहा है, मैं सेवा करने लगाया चवर कर रहा है उधर देख रहा है, चवर मुंह पे लग रहा है मेरे। कई बार लोग ऐसे थक जाते हैं ना तो कोनी लगा के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये प्रभुपा जी के मुंह पे जा रहा है, ऐसे सेवा अपराध है सर।
ध्यान देना चाहिए पूरा, एक एक चीज के अंदर सेवा सेवा करो तो सेवा अपराध से ध्यान देते हुए। भगवान के मंदिर में पीट करके बैठ जाएंगे, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, और ये सारी अपराध निष्ठुरता प्राप्त करती है, भक्ति के साम्राज्य से बाहर फेंक देती है हमको। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।